जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, मेनली IAS 12 है, डेफर्ड टैक्स के बारे में कंसेप्ट क्या है इसका। होता यह है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका अमूमन और होता है, वो आप बनाते हो गैप के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से। उसमें क्या कुछ आता है, आपके IAS हैं, IFRS हैं, ठीक है, तो अमूमन उनके थ्रू जो आपका प्रॉफिट आता है ना, वो और होता है। उसके बरक्स जो टैक्स अथॉरिटीज है ना, वो जो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, वो गैप की बेस पर नहीं करते, बल्कि वो फाइनेंस एक्ट जो आपकी पार्लियामेंट वगैरह पास करती है उसके मुताबिक करते हैं। अब इसका मतलब है कि हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट अमूमन और आएगा, और जो हमारा जो टैक्स अथॉरिटी रिक्वायर कर रही है हमसे, वो प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट आएगा। तो ये बुनियादी रीजन है डिफरेंस के अराइज होने की। अब ये जो डिफरेंस आ जाता है, सपोज कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट था 1.5 लाख, और जो हमारा टैक्स अथॉरिटीज के मुताबिक जब कैलकुलेट किया तो वो आंसर कितना आ गया, 1 लाख, मतलब जो उनके हिसाब से प्रॉफिट है। तो ये 50,000 जो है ना, ये डिफरेंस है। लेकिन इस डिफरेंस की रीजन क्या है, आपके रूल्स, डिफरेंस की रीजन क्या है, आपके रूल्स हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो और थे, उस वजह से आंसर और आया। टैक्स वालों के रूल्स और थे और आंसर आया। लेकिन अगर आपका बिजनेस को देखा जाए, चीजों को देखा जाए, तो वो तो वही है। तो लिहाजा अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इनमें टेम्परेरी कौन से हैं और परमानेंट तरह के कौन से। अब अगर बात की जाए परमानेंट की, तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि जो डिविडेंड होते हैं ना, डिविडेंड इनकम कंपनी की, वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लग सकता। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन यह है कि मैं एक कंपनी हूं ए, और मैंने एक कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो जो बी कंपनी है, बी कंपनी मुझे प्रॉफिट या डिविडेंड देती है अपना टैक्स वगैरह पे करने के बाद। कॉमन सेंस की बात है, जब वो टैक्स दे चुके होंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही डिवाइड किया जाता है ना, तो अगर वो मुझे आफ्टर टैक्स देते हैं, मेरे पास वो 50 या 100 रुपए आते हैं, तो क्या मैं अगेन उनके ऊपर टैक्स दूंगा? मैं नहीं दूंगा, क्योंकि टैक्स एट सोर्स उसके ऊपर से दिया जा चुका है। लिहाजा जो आपका इसके ऊपर टैक्स है वो अलाउड ही नहीं होता। तो परमानेंट डिफरेंस जो होते हैं उनके ऊपर कभी भी डेफर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता। तो डेफर टैक्स फिर किसके ऊपर लगाया जाता है, तो ये अमूमन कब लगाया जाता है, जहां पे टेम्परेरी डिफरेंस है। मसलन एक चीज है और वो अकाउंटिंग वाले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब एक एसेट है, बिल्डिंग है, अकाउंटिंग वाले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सपोज के वो 1 मिलियन की है, तो वो उसके ऊपर 10% चार्ज करते जाएंगे, हर दफा जो 1 लाख है वो निकलता जाएगा, तो उनकी जो चार्ज है वो कितना बनेगा, 1 लाख रुपया एवरेज ईयर डेप्रिसिएशन के नाम पर। अब इसका मतलब है कि पहले साल के एंड पे उनके हिसाब से वो चीज की जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी है, 9 लाख, यानी कि 10 लाख की चीज थी, 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज की, वो आपकी कितने की होगी, 9 लाख रुपए की। लेकिन जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनका तरीका का डिफरेंट होता है, वो कैपिटल अलाउंस ऑफर करते हैं। तो सपोज कि वो पहले साल उसके ऊपर 40% और आने वाले सालों में 20% चार्ज करते जाते हैं जो कैपिटल अलाउंस है। तो उनके हिसाब से जो रिटर्न डाउन वैल्यू है पहले साल के एंड पे, वो 10 लाख का 40% निकल गया, बाकी कितना रह गया, 6 लाख रुपए। हमारे हिसाब से कितनी है, 9 लाख रुपए, उनके हिसाब से 6 लाख रुपए। तो अब ये तो पहला साल था, लेकिन जब आगे जाएंगे तो वो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो उसका 20% चार्ज करेंगे, और हम जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो 1 लाख चार्ज कर रहे हैं। हमारे हिसाब से अगले साल वो चीज 8 लाख की, फिर 7 लाख की, फिर 6 लाख की। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे
जो आपका चार्ज है, कैपिटल अलाउंस जो है, ठीक है, वो कम रह जाएगा और जो डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो डिफरेंस आता है ना, वो हम प्रूडेंस के कंसेप्ट की बेस पे हम ये कहते हैं जी, अभी से मान लो कि उसके ऊपर भी तो कल को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड का मतलब डिलेड, जब उससे वास्ता पड़ेगा तब। मसलन वो कहता है कि एक कंपनी है जिसको कैपिटल अलाउंस भी है ना, उस साल में उनके जो उन्होंने चार्ज किया यानी कि जो मिला टैक्स के अथॉरिटी की उससे, वो था 400 का, और जो डेप्रिसिएशन थी वो 100 थी, ठीक है। अब सेकंड ईयर में और थोड़ा क्लोज हो जाएगा जो डिफरेंस है, मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दी, तो वो इन्होंने तो अभी 40% किया, देन 20% पे आ गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन उधर से स्ट्रेट ही चलेगी। तो ऐसे ही एक वक्त आएगा जहाँ पे जैसे 96 सपोज कि आपका कैपिटल अलाउंस है 96 का और 100 का आपका डेप्रिसिएशन है, तो ये जो 4 है ये आपको एड बैक करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जनाब आपने इसके ऊपर पूरा जो है वो डेफर टैक्स या जो टैक्स है वो पूरे का पूरा आप अप्लाई करो। ये है बुनियादी तौर पर डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट। अब आपकी बुक के हिसाब से थोड़ा सा चलते हैं। जो पहली चीज़ उसकी जनरल एंट्री है, करंट टैक्स वही है ना जो आपने टैक्स अथॉरिटीज को पे करना है अपने मौजूदा एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, किस सेंस में किसकी जो एंट्री है वो क्या है, आप डेबिट कर दो करंट जो टैक्स चार्ज है उसके जरिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यानी कि इनकम स्टेटमेंट को, और क्रेडिट कर दो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को, मीन्स कि अभी आपने इसके पैसे जो है वो देने हैं इस सेंस में। तो IS-12 इनकम टैक्सेस ये दोनों को कवर करता है, करंट टैक्स को भी और डेफर टैक्स को भी। जो करंट टैक्स है उसके बारे में वो कहता है कि यहाँ पे ब्रीफली बात होगी, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड से असल पंगा ही डेफर टैक्स का, लिहाजा ज्यादातर बात जो है वो उसके ऊपर होगी। ये जो यहाँ पे बातें वो डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, वो हमने डिस्कस कर लिया अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, या टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है, या टैक्स एक्सपेंस, हाँ टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस वो क्या है। दी प्रॉफिट फॉर अ पीरियड डिटरमिंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय टैक्सेशन अथॉरिटी, जो उनके मुताबिक जब आप कैलकुलेट करते हैं ना वो प्रॉफिट या लॉस को, तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। टैक्स एक्सपेंस या इनकम क्या है, द एग्रीगेट अमाउंट इंक्लूडेड इन डिटरमिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, ठीक है। वो जो एग्रीगेट अमाउंट है ना निकालने के लिए इनकम, करंट या डेफर्ड टैक्स वगैरह को, वो टैक्स एक्सपेंस या इनकम कहलाती है। करंट टैक्स क्या है, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर ये लॉस हो जाए तो फिर दायरा के रिसीवेबल बन जाएगा, रिकवरेबल बन जाएगा, उल्टा पैसे कुछ ना कुछ टैक्स अथॉरिटी को आपको वापस करने पड़ेंगे जिसके अपने रूल्स हैं। जी अब ये जो हमने बात थोड़ी देर पहले की है उसकी यहाँ पे वजह कर रहा है कि करंट टैक्स जो है वो एक्चुअली पेबल होता है, लेकिन जो डेफर्ड टैक्स है ना वो एक अकाउंटिंग का मेजर है, और मैंने आपको बात की कि उसका मकसद क्या है, प्रूडेंस, ठीक है। जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का कि एहतियात आप करते हो, आपको पता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये चार्ज होना है, तो चूंकि आपको पता है लिहाजा ये आपके रिलायबल हो जाता है कि आप उसको रिकोगनाइज करो। अब ये जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसमें तरीका वो अगर आप पुराना अपना रख लें जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला यूज किया था CUD का, कार्ड निमानी का, कि जिसमें सी से मुराद था करंट टैक्स और यू से मुराद था अंडर प्रोविजन, या अगर ओवर हो तो फिर आप ओ यूज कर सकते हैं, और डी था डेफर टैक्स का ट्रांसफर। यहाँ पे इस एग्जांपल में भी डेफर टैक्स नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो कहता है कि इन 2008 डी कंपनी हैड टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ 120,000। In the previous year, income tax on 2007 profits has been estimated as 30,000. ये हमारा estimate है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जो corporate income tax है वो 30% है,
अब वो कहता है कि कैलकुलेट टैक्स पेबल एंड द चार्ज फॉर 2008 इफ द टैक्स ड्यू ऑन द प्रॉफिट वाज, जो बाद में हमने एग्री किया उनके साथ, वो 35,000 है तो क्या करना है, और वो 25,000 हो तो क्या करना है। बच्चे 1,20,000 का 30% तो सीधा सीधा 36,000, क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट है और 30% का रेट है, लिहाजा 36,000 तो वो होगा। अब बात है पिछले साल आपने ज्यादा पे किया या कम किया। हमने कहा कि हमने 30,000 एज्यूम किया था। वो कहता है अगर 30 के बजाय 35 होता, अगर 35 होता यानी कि टैक्स लाइबिलिटी 35 होती और हमने प्रोवाइड किया हुआ था 30 के लिए, तो हमने कितना अंडर प्रोवाइड किया 5,000 से, तो इस 5,000 को ऐड कर देंगे और हमारा टैक्स चार्ज और लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी 41,000। लेकिन इसके बरक्स अगर लास्ट ईयर हमने एज्यूम किया था 30,000 पे करना, लेकिन पे 25 करना पड़ा, इसका मतलब है कि हमने ओवर प्रोविजन की हुई थी। ओवर प्रोविजन को क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो टैक्स ड्यू जो 2008 का है वो तो वही रहेगा, 120,000 का 30% 36,000, और ये जो ओवर प्रोविजन है जो जिसके लिए ये लफ्ज़ ओवर पेमेंट कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, उसको लेस कर देंगे और आपके पास टैक्स चार्ज जो है वो 31,000 आ जाएगा। ये टैक्स लॉस इज कैरिड बैक, हमने थोड़ी देर पहले बात की अगर टैक्स लॉसेज होते हैं और वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो जो डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स हैं वो बाद में अलाउ करते हैं कि आपकी रिकवरी भी हो सकती है। मसलन इन 2007 ई कंपनी पेड 50,000 इन टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट्स, इन 2008 द कंपनी मेड लॉसेज ऑफ 24,000। ठीक है, 2007 में तो 50,000 टैक्स पे किया था, प्रॉफिट हुआ तभी पे किया, लेकिन 2008 में उनको उल्टा लॉस हो गया 24,000 का और रेट है 30% का, तो हमें अलाउड है, हम इसको लॉसेस को कैरीड बैक कर सकते हैं। तो 24,000 के ऊपर जो रीपेमेंट है वो अगेन 30% के रेट के हिसाब से 72 रुपया बनती है। अब आप एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट कर देंगे टैक्स रिसीवेबल को यानी एसएफपी को। पहले अगर आपको याद हो, जब लाइबिलिटी थी तो हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते थे और बैलेंस शीट को क्रेडिट करते थे। यहाँ पे हम बैलेंस शीट को या एसएफपी को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये रिसीवेबल है। ठीक है, और क्रेडिट क्योंकि ये इनकम बन गई ना, तो टैक्स जो रीपेमेंट है उसको हम 7200 से क्रेडिट कर लेते हैं। जब तक ये आपको रिसीव नहीं हो जाता तब तक आप इसको बतौर अपना एसेट शो कर सकते हो रिसीवेबल्स के। तेरी की चीजें हैं पढ़िएगा, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। डेफर टैक्स आपको बता दिया, बेसिकली डेफर टैक्स क्या है या उसके लिए वो आपको फ्रांसिस ब्रेगेंजा का लास्ट टाइम एक जो मुखफ था वो सुनाया था कि डी टी इज सी टी ऑन टी डी। ठीक है, डी टी डेफर टैक्स इज सी टी कॉरपोरेशन टैक्स ऑन टी डी टेम्परेरी डिफरेंस। तो डेफर टैक्स इज कॉरपोरेशन टैक्स ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेज। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब मैं आपको बता रहा था टेम्परेरी डिफरेंसेज का, परमानेंट डिफरेंसेज का, वहाँ पे हमने ये बात, अगर आपने उस वक्त नहीं ध्यान से सुनी दोबारा वापस जाएं और उसको बेशक दो कॉलम में नोट करने की ट्राई कर लें कि किस तरीके से टेम्परेरी जो डिफरेंस है वो अराइज होता है। कहते हैं कि ये बात जो भी बोलने लगा हूँ काइंडली इसको भी नोट कर लीजिएगा कि टेम्परेरी डिफरेंसेज आर डिफरेंसेज दैट आर टेम्परेरी जो वक्ती हैं कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द टाइमिंग ऑफ व्हेन आइटम्स आर ट्रीटेड इन द इनकम स्टेटमेंट एंड व्हेन दे आर असेस्ड टू टैक्स। ठीक है जी, मतलब यह ना कि आप तो उसको इनकम स्टेटमेंट में किस तरीके से उनके साथ डील कर रहे थे और जब उनके ऊपर टैक्स लगा तो उन्होंने कैसे डील किया। इन दो बातों के डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस राइज होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। मैंने वजात कर दी थी शुरू में कि कौन से परमानेंट हैं और कौन से टेम्परेरी हैं, आपकी बुक में काफी अच्छी एग्जांपल्स भी हैं जो आप इंशाल्लाह देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल टेम्परेरी जो डिफरेंस है उसके ऊपर जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है, ठीक है, आपको तवक्को है कि 30% लगना है, तो आपका टेम्परेरी डिफरेंस है 4 का, आप 4 का 30% ले लोगे। ठीक है, वो 1.2 बना, वो आप अभी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं डेफर टैक्स। ठीक है,
तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या है? आर दी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज पेबल इन फ्यूचर पीरियड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। ये फ्यूचर की बात है, लेकिन प्रूडेंस के तहत आप अभी इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो बतौर एक लाइबिलिटी के। डेफर टैक्स एसेट्स कौन से होते हैं? आर दी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज रिकवरेबल इन फ्यूचर पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसिस, द कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज टैक्स लॉसेस, द कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज टैक्स क्रेडिट्स वगैरह, इनकी वजह से, यानी ये उसके उल्ट हो गया ना। अब आपको अगर कुछ ऐसे डिफरेंसिस जो कि आप डिडक्ट कर सकते, डिडक्टेबल से मुराद अगर आपको यार फिक्स में याद हो तो वो एक पॉजिटिव बात होती है। वो बातें मतलब मैंने टैक्स देना था 10,000 रुपये के, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसमें से 1,000 रुपया फलां जगह से आया, चलो जिसको छोड़ दो, ये डिडक्टेबल है, लिहाजा वो अब ये जो लाइबिलिटी है वो 10,000 के बजाय 9,000 के ऊपर चली जाएगी और 9,000 का जो है वो परसेंटेज ली जाएगी। जी ये टैक्सेबल और डिडक्टेबल मैंने आपको बता दिया, वैसे एक दफा पढ़िएगा ना समझ आए तो मुझसे पूछिएगा। सादा लफ्ज़ों में टैक्सेबल वो है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होना है, जो भी हमने इसकी बात की, ये जो आपका IS-16 में था ना कि डेप्रिसिएशन और चार्ज होती है, नेट बुक वैल्यू और है रिटर्न डाउन वैल्यू जो कि टैक्स की टर्म है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो टेम्परेरी डिफरेंस जरूर है लेकिन वो टैक्सेबल है। उसके बरक्स जो हमने डिविडेंड की बात की वो भी डिफरेंस जरूर है लेकिन वो डिडक्टेबल है, उसके ऊपर यानी कि चार्ज नहीं किया जा सकता। द टैक्स बेस ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट लाइबिलिटी, जब यानी कि जिस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाना है वो चीज क्या कहलाती है? टैक्स बेस कहलाती है। जी अ मशीन कॉस्ट 10,000 एंड हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 8,000, यानी कि उसकी जो डेप्रिसिएशन आपने 2,000 चार्ज की हुई होगी और वो करंटली कितने की है आपके हिसाब से 8,000 की। फॉर टैक्स पर्पज द डेप्रिसिएशन ऑफ 3,000 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन द करंट एंड प्रायर पीरियड एंड रिमेनिंग कॉस्ट विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर, यानी कि 10,000 में से 3,000 निकल गया तो आपके हिसाब से अब वो 7,000 की बुक में शो हो रही है। रेवेन्यू जनरेटेड बाय यूजिंग दिस मशीन इज टैक्सेबल, एनी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ द मशीन विल बी टैक्सेबल, एनी लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी डिडक्टेबल। पर अब 7,000 उसकी क्या है? नेट बुक वैल्यू है, ठीक है, और जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो आपका 1,000 का है क्योंकि 8,000 के ऊपर वो कैरी कर रहे हो आप उसको, ठीक है जी। तो इसमें जो टैक्स बेस है मशीन की वो 7,000 और जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो 1,000 रुपये। इंटरेस्ट रिसीवेबल है कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,000, द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन अ कैश बेसिस, ठीक है जी। रिसीवेबल जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है? 1,000। तो वो कहता है कि वो जो रिसीवेबल है वो अभी अब मिली कोई नहीं है ना, तो उसकी टैक्स बेस तो नील है, ठीक है। दूसरा जो कि मौजूद है लिहाजा टेम्परेरी डिफरेंस 1,000 का। सेम तरीके से बाकी एग्जांपल भी देखिएगा और ये टैक्स बेस की सेकंड एग्जांपल भी ना समझ जाए मैं इंशाल्लाह देखता हूँ। पढ़ने की चीज आसान है, देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है। टेम्परेरी डिफरेंस की हम बात कर चुके, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अब ये मजीद एग्जांपल हैं। द फॉलोइंग आर, जी पहले रूल पढ़ लें जरा। द रूल टू रिमेम्बर हेयर इज दैट ऑल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेज गिव राइज टू डेफ, जितने भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेज है TDs जितने भी हैं वो जाहिर सी बात है कि वो लाइबिलिटी को अराइज करते हैं, उसी को हम डेफर टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। वो कहते हैं द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसिस दैट गिव राइज टू टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेज, दे विल ऑल रिजल्ट इन अ हायर टैक्स चार्ज इन वन और मोर फ्यूचर पीरियड्स, इनकी वजह से आगे जाके ज्यादा अमूमन आपको तो चार्ज होगा क्योंकि अभी तो वो बजाय आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो कम है और जो कैपिटल अलाउंस है वो ज्यादा है, लेकिन बाद में उल्ट भी तो होना है, तो जब उल्ट होगा तो आपको उस वक्त ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन अरियर्स जो बाद में मिलता है एंड इन क्लूडेड इन अकाउंटिंग पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अपोर्शनमेंट,
इट इज़ इंक्लूडेड इन टैक्स एवर प्रॉफिट हाउएवर ऑन अ कैश बेसिस। अब हम तो अमूमन अकाउंटिंग में तो कहते हैं जी चीज़ रिसीवेबल हो गई तो बस वो आपकी हो गई, वो इनकम हो गई। आपने 6,000 रुपये की चीज़ बेची है ना, तो आपने 3,000 रिसीव कर लिया, 3 उन्होंने देना है, लेकिन आप इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू में 6,000 ही शो करते हैं, लेकिन टैक्स आपको यहाँ पे तो अलाउ कर देता है कि आप उसको जितना रिसीव होगा उसके ऊपर टैक्स चार्ज करो, लेकिन जो बाद में होना है वो किधर जाएगा, आपको देना तो पड़ेगा। लिहाजा वक्ती तौर पर डिफरेंस है आपकी अकाउंटिंग और टैक्स की वजह से, लेकिन बाद में ये रेवेन्यू वाली बात मैंने पहले कर दी। डेप्रिसिएशन हम डिस्कस कर चुके, आगे है डिवेलपमेंट का विच हैव बीन कैपिटलाइज्ड विल बी एमार्टाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट दे वर डिडक्टेड इन फुल फ्रॉम टैक्सेबल प्रॉफिट इन द पीरियड इन विच दे वर इनकर्ड। ठीक है, जो डिवेलपमेंट कास्ट है हम उन्हें क्या करते हैं, रिसर्च को तो एक्सपेंस आउट करते हैं, डिवेलपमेंट को क्या करते हैं एसेट बना देते हैं, इसका मतलब है वहां से तो उसको निकाल देते हैं और बाद में उसको एमार्टाइज करते हैं, तो उस वजह से भी डिफरेंसेज आएंगे। होपफुली आपके लेवल पे इतना डिटेल में नहीं जाएगा उसको टेस्ट करते वक्त। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड ऑन अ कैश बेसिस इन डिटरमिनिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द करंट और प्रीवियस पीरियड। ठीक है जी, जो एक्सपेंसेस के पैसे आपने पहले दे दिए हुए हैं तो चूंकि टैक्स कैश बेस्ड होते हैं लिहाजा वो तो उसको पहले से ही चार्ज कर चुका होता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी आपको डिफरेंस जो है वो अराइज होगा। आगे जी कौन सी चीजें जो है वो एसएफपी को इफेक्ट करती हैं वो देखते हैं, देन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स एंड रिवैल्यूएशंस करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैरी एट फेयर वैल्यू दिस एक्सीड्स कॉस्ट बट नो इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। ये पढ़ने की चीजें जो एग्जांपल हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको पढ़िएगा, कोई बात ना समझाए तो इंशाल्लाह मैं आगे समझा दूँ। एग्जांपल पे अ कंपनी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 1500 एट द एंड ऑफ 2008 द कैरिंग अमाउंट इज 1000। मैंने 1500 का लिया था, साल गुजरा और वो कितने की है कैरिंग वैल्यू उसकी क्या है 1000। द क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पज इज 900 एंड द करंट टैक्स रेट इज 25% रिक्वायर्ड जो डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी है वो फाइन करें। तो हमने जो टैक्स बेस एसेट की वो क्या है, 1500 की चीज है, अब तक जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया वो कितनी है 900 रुपया, तो इसका मतलब है कि वो 600 जो है ना उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। इन ऑर्डर टू रिकवर द कैरिंग अमाउंट इन ऑर्डर टू रिकवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000 द एंटिटी मस्ट अर्न टैक्सेबल इनकम ऑफ 1000। ठीक है जी, बट इट विल ऑनली बी एबल टू डिडक्ट 600 एज अ टैक्सेबल एक्सपेंस द एंटिटी मस्ट देयरफॉर पे इनकम टैक्स ऑफ जो उसमें से चला गया वो कितना है 600, तो 400 जो है उसके ऊपर वो 25% टैक्स देंगे यानी कि 100 व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज रिकवर्ड द एंटिटी मस्ट देयरफॉर रिकॉग्नाइज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 100 जो कि डेफर हो गई ना, रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000 एंड द टैक्स बेस ऑफ 600। ठीक है, टैक्स तो 600 के ऊपर चार्ज होगा लेकिन कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी है 1000 की, तो ये जो 400 का डिफरेंस है ठीक है वो टेम्परेरी डिफरेंस है और बाद में इसके ऊपर टैक्स लगना है, तो लिहाजा आप अभी से रिकॉग्नाइज कर लो कि ये 100 आपके पल्ले पड़ेगा। टाइमिंग डिफरेंसेस और टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए फ्रांसिस ब्रैगेंजा जो है वो एक टीडी लफ्ज यूज करता है, लिहाजा हम उस खाप में नहीं पढ़ेंगे, सेम ही दोनों का जो है वो ट्रीटमेंट है। जे कंपनी बायज इक्विपमेंट फॉर 50,000 ऑन 1st January 2001 एंड डेप्रिशिएट्स इट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। इसका मतलब है हर साल वो उसको 50,000 को 5 पे डिवाइड किया 10,000 रुपया चार्ज करते जाएंगे। इट हैज नो अदर नॉन करंट एसेट्स फॉर टैक्स पर्पज इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड ऑन 25% पर एनम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। टैक्स वाले कहते हैं नहीं हम तो 25% चार्ज करेंगे, इसका मतलब है वो 50,000 का 25% 12,500 रुपया, तो वो
डिफरेंस आ गया ना जी, हम 10,000 चार्ज करेंगे, वो 12,500 चार्ज करेंगे, यानी कि कैपिटल अलाउंस है अगर उसके एग्जैक्ट टर्म यूज की जाए तो। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 2001 to 2005 इज 20,000 पर एनम, बिफोर टैक्स है, ठीक है, कि वो तकरीबन हर दफा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने कह दिया कि 20,000 पर एनम प्रॉफिट आता है, टैक्स रेट 40% है। बट ये हमने किसके ऊपर टैक्स लगाना होता है, टैक्सेबल जो टेम्परेरी डिफरेंस है उसके ऊपर, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी 10,000 चार्ज किया, हमने भी 10,000 चार्ज किया, टैक्स वालों ने भी और हमने भी, ठीक है। टैक्सेबल डिफरेंस जो है वो आपका 2500 का है, वो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के हिसाब से 10,000 चार्ज कर रहे थे लेकिन टैक्स के हिसाब से 12,500, तो टैक्सेबल जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2500 का। अब पता क्या है, आप जो टैक्स चार्ज करते हो ना वो डेप्रिसिएशन के हिसाब से कर रहे हो, तो आप कम चार्ज कर रहे हो ना, ठीक है, तो बाद में देना ही पड़ना है ना, आपकी बुक्स में रिकोगनाइज करना ही पड़ना है, तो हम इसलिए उसको एडवांस में रिकोगनाइज करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, होपफुली आप इस बात की समझ आ रही होगी, ना आई तो फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। तो जो क्यूमुलेटिव डिफरेंस है ना जी, वो पहले साल में अगर 2500 का था तो 2 सालों में कितना हो जाएगा, 5,000 का, 3 सालों में 7,500 का और 4 सालों में पूरे 10,000 रुपए का। नोट दैट टैक्सेबल डिफरेंस रिवर्स इज इन 2005, क्योंकि हम वहां पर भी पूरा 10,000 चार्ज कर रहे हैं अकाउंटिंग वाले, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे, समझ आ गई, वो सारे 12,500 4 सालों में चार्ज कर चुके हैं, 2005 में क्या चार्ज करेंगे, तो वहां पर लिहाजा ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली ये बात खत्म हो जाएगी, इसी वजह से इसको टेम्परेरी डिफरेंस कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, दिस विल गिव द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन कैरियंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर जी। अब ये जो ऊपर वाला है कैरियंग अमाउंट, ये रिप्रेजेंट करता है 50 में से 10,000 गया तो 2001 के एंड पे हमारी चीज कितने की है, 40,000 की, 2002 पे 40 में से भी 10 गया 30, फिर 20, फिर 10, 2005 में बुक में से राइट ऑफ हो जाएगी। टैक्स के हिसाब से पहले साल 12,500 निकला, दूसरे साल मजीद 12,500, तीसरे साल मजीद 12,500, चौथे साल उनके हिसाब से स्टोरी खत्म हो गई। तो क्यूमुलेटिव जो डिफरेंस है वो कितना कितना है जी, पहले साल 2500 का, दूसरे साल 5,000 का, तीसरे साल 7,500 का, चौथे साल 10,000 का, आप जनाब अली उसको 40% के हिसाब से टैक्स चार्ज करेंगे, ये आपका डेफर टैक्स है 1,000, 2,000, 3,000 और 4,000 का। इसी को हमारे कार्ड न्यूमैनिक में उसने कहा था, जो वो डी का लफज था ना, सी था ना करंट टैक्स और यू था अंडर या ओवर प्रोविजन, और डी था डेफर टैक्स चार्ज, मतलब कि हम पहले साल ये 1,000 रुपया चार्ज कर देंगे अपने आप को, ठीक हो गया, दूसरे साल इस तरीके से 2,000 और फिर या जो भी डिफरेंस है 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000। तो अब आ जाए जनाब प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, तो पहले साल में आपका प्रॉफिट 20,000 था, 20,000 तो उसने एग्जांपल दे दी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी यही चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी होती है टैक्स पर्पज के लिए, तो आपने पहले साल ऐड बैक कर दी 10,000, 30,000 हो गया, लेकिन जो टैक्स वाले आपको अलाउंस देते हैं वो 12,500 का था वो निकल गया, इसका मतलब है आपकी टैक्सेबल अमाउंट थी 17,500 रुपये की, 17,500 जो है उसका जो है 40% वो आ गया आपका 7,000 रुपया, और जो डेफर टैक्स एडजस्टमेंट है वो 2500 का 40% जो है वो आपका आ गया 1000, तो इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट को 8,000 का जो है वो टैक्स चार्ज करें जी। 2008 में अगेन सेम ही प्रोसीजर चलेगा, 2 में सॉरी, और 2003 में भी और 2004 में भी, ठीक हो गया। तो 2005 में क्या होगा, 20,000, 10,000 ऐड किया, 30,000, उसके ऊपर टैक्स चला आपका 40% के हिसाब से 12,000, और ये जो डेफर टैक्स एडजस्टमेंट है आपकी 4,000 रुपए की, इन 4 सालों में आप इसको लेस कर दोगे उसमें से, और अगेन आप टैक्स वही दोगे, अपनी बुक को वही चार्ज करोगे 8,000, ठीक है। तो ओवर द ईयर बेसिकली आप टोटल जो है वो 8,000 रुपया हर दफा टैक्स देते रहे,
40,000 रुपया आप जो टैक्स है वो पे करेंगे। The effect of the deferred tax adjustment is to recognize the additional tax which will be due in 2005। देखे ना, एंड पे हमें एकदम से 12,000 टैक्स देना पड़ गया था, तो क्योंकि हमने हर साल पहले से रिकॉग्नाइज किया होगा तो वो इसलिए अल्टीमेट हमें 8,000 ही चार्ज करना पड़ा जो कि हर साल का। ये उसकी अकाउंटिंग है एसएफपी के लिए कि जो आपकी 2001 में है आप नॉन करंट लायबिलिटी शो करोगे डेफर टैक्स की 1000 की, 2002 में 2000 की, 2003 में 3000 की और 2004 में 4000 की, और जो करंट लायबिलिटी है वो वही 7000 लेकिन 2005 में वही करती 12,000 हो गई। ये अब वो जी अब अगेन आ रहे हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, ये बच्चे उसी की वजाहत है जो शुरू में बात की थी उसी की थ्योरेटिकल फॉर्म है, ये एग्जांपल में फिर भी एहतियात में करवा देता हूँ पढ़ लीजिएगा। पी कंपनी रिकॉग्नाइजेज अ लायबिलिटी ऑफ 10,000 फॉर एक्रूड प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2007। These product warranty costs will not be deductible for tax purpose until the entity pays claims। जब तक उन्होंने वो क्लेम दे नहीं ना देने तब तक इनको वो डिडक्ट नहीं कर सकते टैक्स पर्पज के लिए। टैक्स रेट कितना है 25%। वो कहते हैं व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ द लायबिलिटी, इट इज नेल कैरिंग अमाउंट ऑफ 10,000 लेस द अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पज इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी इन द फ्यूचर पीरियड। When the liability is settled for its carrying amount, the entity's future taxable profit will be reduced by 10,000 and so its future tax payments by 10,000. जब यानी recognize होगा तो उस वक्त वो 2500 का फर्क पड़ेगा। The difference of 10,000 between the carrying amount and the tax base जो कि nil है is a deductible temporary difference. The entity should therefore recognize the deferred tax of यानी कि 10,000 का 25% recognize करते रहें तो over the year वो उनका जब यानी कि जब फाइनली वो डिडक्टेबल होगा उस वक्त वो उनके पास वो चार्ज पूरे का पूरा मौजूद होगा वो उसको डिडक्ट कर सके। छोड़ भी जाने। अच्छा जी, अब ये ना बेसिकली जो ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे ये उन्हीं की बार बार वजाहत कर रहे हैं, ठीक है, कि डेफर टैक्स वगैरह को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। तो The full provision method has the advantage that it recognizes that each timing difference at the end of the reporting period has an effect on future tax payments। मतलब हर दफा जब साल खत्म होगा तो अगर आप तो पूरी की पूरी प्रोविजन को यूज करेंगे जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा तो अल्टीमेटली आखिरी साल में सारा काम जो है वो खुद ही साठ उठ हो जाता है। सपोज दैट जी कंपनी बिगिन्स ट्रेडिंग ऑन 1st January 2007, इन इट्स फर्स्ट ईयर इट मेक्स प्रॉफिट ऑफ 5 मिलियन, द डेप्रिसिएशन चार्ज इज 1 मिलियन एंड द टैक्स अलाउंस इज ऑन दोज एसेट्स। अब यहाँ पे देखे ना डेप्रिसिएशन थोड़ी है टैक्स अलाउंस ज्यादा है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%। तो आप क्या करेंगे 5 में 1 मिलियन को एड बैक करेंगे जो आपका डेप्रिसिएशन है। आपको पता है डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है उसको एड बैक किया जाता है, लेकिन टैक्स वाले आपको 1.5 मिलियन अलाउ कर दें तो आप उसको लेस कर देते हो। तो इसका मतलब है कि जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो इसका जो 30% है 1.35 मिलियन है। बट द डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस इज इंक्रीज बाय द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो जो 0.5 डिले हो गया वक्ती तौर पे आपने उसको भी तो काउंट फॉर करना है, तो आप 0.5 मिलियन का यानी कि 5 लाख का 30% लेते हो वो 1.5 लाख आ जाता है। तो टोटल चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस इज देयर फॉर 1.5 यानी कि 1.35 प्लस 0.15 तो 1.5 मिलियन जो है ना वो आप वहां पे चार्ज करें। बुनियादी तौर पे बच्चे अगर आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई है तो यही बात सारी डेफर टैक्स है और होपफुली आपके जो एमसीक्यू टाइप है उसमें यही चीज आएगी। जी अभी छोटी छोटी बातें, अगर चेंजेस इन टैक्स रेट होता है तो क्या होता है। जी कंपनी हैज एन एसेट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 80,000 एंड अ टैक्स बेस ऑफ 50,000, द करंट टैक्स रेट इज 30%
and the rate is being reduced to 25% in the next year. GE plans to dispose the asset for its carrying amount and will so do so after the tax rate falls. उनका इरादा है कि वो इसको इतने का बेच देंगे, इसी रेट के हिसाब से बेच देंगे, जो 80,000 रुपए के जितने भी उसको कैरी कर रहे हैं इस वक्त वो बुक्स में। तो लेकिन जो टैक्स रेट है वो अगले साल जब 25% हो जाएगा तो उसके बाद वो करेंगे। यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना है, 80,000 कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस 50,000 है, इसका मतलब है कि 30,000 का हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है। तो हम जो डेफर टैक्स चार्ज करेंगे वो जनाब जो टैक्स रेट नया होगा ना उसके मुताबिक करेंगे, वो 25% है, 30,000 का 25% 7500 रुपया जो है वो डेफर टैक्स ट्रांसफर के नाम पे जाएगा। डिस्काउंटिंग वाला पंगा कोई नहीं है क्योंकि आईएएस उसको मना करता है, लिहाजा मेहरबानी उसके यहाँ से जान छूटी है आपकी। और आगे क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड, जी कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। अगर बच्चे कुछ इसमें आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह होता है या लॉस होता है उसको आपने बकायदा बुक्स में डील करना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर पता चल गया कि है तो फिर रिकॉग्नाइज करो। तो जी कंपनी ओन द प्रॉपर्टी विच है द कैरिंग अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ 2009 ऑफ 1.5 मिलियन और एट द एंड इट हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द प्रॉपर्टी एट 1.8 मिलियन 3.3 जो है ना मिलियन यानी कि 3 लाख जो है उसका आपको ऑलरेडी मुआयदा हो चुका है कि आपको मिलेगा अजाफी। द टैक्स रेट इज 30%, हाउ विल दिस बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो आपको इनकम कितनी हुई है 3 लाख की फिगर आ रही 1000, तो जिसकी वजह से वो आपको 300 शो कर रहा है। तो इनकम टैक्स रिलेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम यानी कि इससे रिलेटेड फिर कितना है 90, तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जो नेट ऑफ टैक्स आप इनकम पहुंचाओगे वो कितनी जाएगी 210 की यानी 2,10,000 रुपये आप अदर इनकम में रिकॉग्नाइज करोगे जो गेन हुआ है ना बच्चे आपको आफ्टर टैक्स वो आपने वहां पर करना। और जो आपकी है प्रॉपर्टी यानी कि जो SFP है वहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप डेबिट कर दोगे 300 से 3 लाख से यानी वहां इजाफा हो गया ना, तो क्रेडिट किसे करेंगे 90 से डेफर टैक्स को और 2,10,000 रुपये से 90,000 से डेफर टैक्स को और 2,10,000 रुपये से आवरी वैल्यूएशन सरप्लस को। हालांकि अभी तक हमने दिया कोई नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि ये देना पड़ना है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन पे आता हूँ, थ्योरी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट में उसके ऑलरेडी तकरीबन बोल चुका हूँ। इन द अकाउंटिंग ईयर टू 31st December 2003 नील डाउन कंपनी मेड एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स लगाने से पहले उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,10,000 का है। इनकम टैक्स ऑन द प्रॉफिट हैज बीन एस्टिमेटेड एज 45,000। इन द प्रीवियस ईयर द इनकम टैक्स ऑन 2002 प्रॉफिट हैड बीन एस्टिमेटेड 38,000 बट इट वॉज सब्सिक्वेंटली एग्रीड एट 40, यानी कि आपको आपने अंडर प्रोवाइड किया हुआ था तो ये 2,500 तो ऐड होगा, कॉमन सेंस की बात है। और ट्रांसफर टू क्रेडिट टू द क्रेडिट ऑफ द डेफर टैक्स अकाउंट ऑफ 16,000 विल बी मेड इन 2000, ये आपने उसने आपको निकाल के दे दिया। हमारा कट वाला फार्मूला जनाब डायरेक्टली यहाँ पे लग गया, सी है आपका करंट टैक्स जो कि 45,000 है, ठीक है। डेफर टैक्सेशन जो कि हमारा डी निमानिक था वो 16,000 है और 2,500 से हमने अंडर प्रोवाइड किया हुआ था उसको ऐड करना है, ठीक है। तो 63,500 कहाँ पे शो होगा आपकी इनकम स्टेटमेंट में, और लाइबिलिटी के तौर पे जो आपकी 2003 का पेबल प्रॉफिट है 2002 का 45,000 का वो वहां पे आप शो कर दोगे लाइबिलिटी में 2003 के बुक्स में। CUD को आपने अब याद रखना है, कार्ड नहीं माने के बच्चे ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अल्लाह करे आप इसकी समझ आ सके। और शुक्र है चैप्टर खुदा खुदा करके खत्म हुआ, मसला हुआ तो मुझे बताइए। अल्लाह हाफिज़।